नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जी हाँ, मेष राशि वालों, 2023 में 6 बड़ी खुशखबरी आपको मिलने जा रही है। हम जानते हैं, धन का ना होना, स्वास्थ्य का ठीक ना होना, पारिवारिक क्लेश, व्यापार में नुकसानी, व्यवसाय में प्रगति ना होना, बिना प्रेम तन्हाइयों से खेलना, यह सब चीजें एक भयानक पीड़ादायक होती है और व्यक्ति के जीवन को अत्यंत दुखदायी बना देती है। लेकिन 2023 में इन सारी चिंताओं उलझनों से मुक्ति मिलने जा रही है और इन बदलाव का कारण भी होगा ग्रहों की स्थिति। तो पूरा वीडियो स्किप किए बिना जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके राशि स्वामी धन और पराक्रम के दाता मंगल ग्रह जनवरी के प्रारंभ में अपनी राशि मेष राशि में भ्रमण करते हुए आपके धन भाव, सुख भाव, विद्या भाव, प्रेम भाव और पराक्रम भाव में गोचर करते हुए आखिर में आकस्मिक धन के भाव में पहुंच जाएंगे। तो शुक्र, सूर्य, बुध, गुरु और शनि की भी स्थिति आपकी कुंडली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। दोस्तों, वैसे तो मैंने बहुत सारी भविष्यवाणी की है, चाहे महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, गुजरात की राजनीति को लेकर, आर्थिक बाबतों को लेकर, भूकंप को लेकर, और वह सारी सच भी हुई है। यकीन नहीं है तो ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं 2023 का मेष राशि फल। मेष राशि के लिए 2023 का साल अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि पूरे साल शनिदेव आपके दशम भाव में स्थित रहेंगे और दशम भाव व्यापार, राजसुख, पद, अधिकार, ऐश्वर्य, यश का भाव माना जाता है। इसलिए साल आपके जीवन की प्रगति के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जो खुद का व्यापार कर रहे हैं उनके लिए साल की शुरुआत थोड़ी कमजोर जरूर रहेगी। साल के शुरुआती समय में कार्य बोझ अधिक रहेगा और नया इन्वेस्ट करने की तो सोचना भी नहीं है, साथ में मुनाफा भी कम प्राप्त हो सकता है। इसलिए यह समय में थोड़ा सावधान होकर चालू बिजनेस को आगे बढ़ाए। साल के मध्य में जब शनि की उपस्थिति 11वें भाव में होगी और गुरु आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे, तब व्यापार के लिए स्थिति अनुकूल हो जाएगी। इसके बाद आपको पूछे मिटकर देखने की भी जरूरत नहीं रहेगी। अब जो भी व्यापार व्यवसाय कर रहे हो उसमें मुनाफा कर ही पाओगे, पर साथ में अगर आप नया कोई व्यापार चालू करने की सोच रहे थे तो उसमें भी आपके लिए लाभदायी स्थितियां बनी रहेगी। खासकर जो मेडिकल स्टोर, खनिज तेल, सीमेंट, जमीन का क्रय विक्रय, आयुध निर्माण, केमिस्ट, खेलकूद, रंग व्यवसाय से जुड़े कार्य से जुड़े हुए हैं, उनको अधिक लाभ प्राप्त हो पाएगा। तो जो सेना में सेवा दे रहे हैं या पुलिस में या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी साल 2023 विशेष लाभदायी रहने वाला है। शनि की 11वें भाव में उपस्थिति आपको आय के नए नए स्रोत दिलाएगी। वही साल की शुरुआत में बृहस्पति 8वें भाव में होने के कारण किसी भी तरह का धन लाभ भी दिलाएगी, पर इस समय में खर्चे भी अधिक हो सकते हैं, इसलिए खर्च ऊपर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा। 22 अप्रैल के बाद साल का सारा समय आपके लिए शुभ रहेगा। जो बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए कोई बड़े प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए यह समय एकदम अनुकूल रहेगा। यदि इस गोचर में निवेश किया तो यह निवेश उनके लिए लंबे वक्त तक अच्छा मुनाफा देने वाला साबित हो सकता है। मेष राशि वालों के लिए साल 2023 आर्थिक तौर पर पूर्ण प्रगति देने वाला साबित होगा, क्योंकि साल आप मन मुताबिक तरीके से धन संचय करने में कामयाब रह पाओगे। तो जो नौकरी करने वाले जातक है उनके लिए भी यह समय अनुकूल ही रहेगा। इस वक्त आपको कार्यस्थल पर मान सम्मान मिल पाएगा, तो अप्रैल के बाद प्रमोशन या बेहतर सैलरी के साथ जॉब ट्रांसफर भी कर पाओगे। हाँ, काम के बोझ के चलते थोड़ा तनाव जरूर महसूस करोगे, पर इसका भी लाभ आपको अनुभव के तौर पर जरूर मिलेगा। इतना ही नहीं, नवंबर दिसंबर में आपको कंपनी की ओर से विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है। तो अप्रैल के बाद गवर्नमेंट सर्वे जो स्थानांतरण चाहते हैं उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। अटके हुए या लंबित कार्य भी यह वक्त में पूर्ण हो पाएंगे। जो शादीशुदा है उनके लिए प्रेगनेंसी रखने के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। तो जो अभी प्रेम में है उनके लिए 2023 एक विशेष योग लेकर आ रहा है। जी हाँ, प्रेम के कारक शुक्र ग्रह 17 मई से 29 जून प्रतिगामी रहेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपका प्रेम सच्चा होगा तो शादी के बंधन में बंधेंगे, अन्यथा ब्रेकअप भी हो सकता है। दोस्तों, मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को जीवन की बुलंदियों तक पहुँचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं।
स्वास्थ्य के लिहाज से साल का शुरुआती समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, पर अप्रैल के बाद स्थिति सामान्य रहेगी। संतुलित आहार और शाकाहारी भोजन आपको लंबे वक्त तक निरोगी रख सकता है। वही 2023 में तीर्थ यात्रा और विदेश यात्रा के भी योग बने हुए हैं, जो कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से चेंज कर सकती है। किसी भी प्रकार के ज्योतिषीय मार्गदर्शन के लिए हमारा संपर्क अवश्य करें। जय गुरुदत्त, जय गिन।